नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो जो शुगर हो जाती है तो उससे होने वाले आगे जो रोग हैं वो क्या क्या हैं और उनके क्या क्या परिणाम हैं, ये आज मैं आपको पूरा विस्तृत करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलता हूँ सबसे पहले जो शुगर हो जाती है, जब शुगर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। अब जब भी कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित हो जाता है तो, और जब उसको पता चलता है कि मुझे शुगर है, तो एकदम वो सीधे एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ उसको शुरू हो जाती हैं, और शुरू होने के साथ साथ जैसे ही उसका पैनक्रियाज ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर है वो भी उसको हो जाएगा, यानी कि शुगर हुई ब्लड प्रेशर भी हुआ। और जैसे ही ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गई, तो उसके बाद आता है किडनी का नंबर। तो इससे किडनी डैमेज होने का दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और तीसरा आँखें, आँखों के लिए दोस्तों ये बहुत घातक चीज़ है। जिस मरीज़ को या जिस व्यक्ति को शुगर हो गई है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ हो गई, तो आँखों के ऊपर उसका जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई व्यक्तियों की तो जो मुझे फ़ोन आते हैं वो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमारी नज़र जो है लगभग 50% कम हो गई है। अगला आता है दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति को शुगर है उसका जो जख्म है, जैसे कट गया या फोड़ा फिंसी हो गई, तो वो जल्दी कभी ठीक नहीं होगा, उसके लिए वक्त लगेगा। यानी कि जब तक वो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेगा या एलोपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, मेरा सभी माताओं बहनों से ये विशेष निवेदन रहेगा कि मेरा लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं अक्सर आप सोचते होंगे कि मैं शुगर के ऊपर ज़्यादा वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, वो इसलिए दोस्तों कि कुछ भ्रमित लोग हो जाते हैं या जिनको पता नहीं चलता है या बार बार मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, ताकि एक ही वीडियो में अगर इतना लंबा मैं बात करता हूँ फ़ोन के ऊपर तो मैं सोचता हूँ उनके सभी सवालों का जवाब जो है वो एक ही वीडियो में मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए शुगर के जो भयंकर परिणाम हैं, और एक और रह गया बीच में। अगर किसी व्यक्ति की शुगर भी हाई है और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो दोस्तों समझ लीजिए उसको पैरालाइज होने का मतलब 80-90% जो है वो चांसेस रहेगा। स्किन डिजीज़ उसको बना रहेगा, चिड़चिड़ापन उसको बना होगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, सुस्ती ज़्यादा होगी, काम में उसका मन नहीं लगेगा। और ये शुगर के ही कुछ ऐसे भयंकर परिणाम हैं। अगर आप खुश नहीं रह सकते, मतलब ये बीमारी ही ऐसी है कि जिसको शुगर हो गई या हाई लेवल के ऊपर है, तो दोस्तों वो आदमी कुदरती ही थोड़ी सी बात सुनने पर थोड़ा मतलब ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप एलोपैथी या अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी डोज जो है बढ़ती जाएगी। जब डोज बढ़ती जाएगी तो एक दिन वो जो आपकी दवाई है वो काम करना छोड़ देगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। और जब इंसुलिन भी काम करना छोड़ देंगे तो दोस्तों फिर राम आसरा, यानी कि फिर राम के सहारे हो जाओ कि भगवान राम या अल्लाह को प्यारा या राम को प्यारा या कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अब आती है बात कि जो मैं गिलोय की बात करता हूँ, पहली बात कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछते हैं मुझसे कि ये कितने दिनों में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि ये जड़ से तो चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। वो इसलिए जैसे मैंने बताया है, मिट्टी का प्रयोग बताया है, फिर सुबह आप एक्सरसाइज करिए, सैर करिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और अपना खान पान जो है वो सादा रखिए, ज़्यादा चटपटे मसालेदार या चली हुई चीज़ें या ज़्यादा अचार वगैरह का, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें। ये सारे जो कारण हैं दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हैं।
अब बात आती है कि कितने दिनों में ठीक होगा। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो कितने दिनों में ठीक होगा। जैसे कोई बहुत मोटा आदमी है उसको वक्त लगेगा, कितने समय से शुगर है, जैसे 10-20 साल से है, किसी को 1 साल से है, किसी को 2 महीने से, किसी को 6 महीने से, तो हर एक व्यक्ति के लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इस ये जो दवाई है या ये दवाई कितने दिन में मतलब ये शुगर को जड़ से मिटा सकती है। तो दोस्तों मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें। अब ये बात आ जाती है आपकी कि ये मेरा एक स्टीक जवाब रहेगा कि इतना ज़रूर कहूँगा कि शुगर के लिए जो गिलोय है वो नंबर वन औषधि है, ये हर्बल मेडिसिन है, इसको आप जैसे मर्जी प्रयोग करें। मैं बताऊँगा अभी इसके बारे में पूरा, आप इसको कैसे कैसे तैयार कर लें और जितना हो सके आप खुद तैयार कर लीजिए भाई, क्योंकि मेरे पास ना ही फैक्ट्री है ना कंपनी है, मैं पूरे हिंदुस्तान में या अपने तहसील को भी देना चाहूँ ये दवाई सिर्फ तहसील को, तभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों आप भी हिम्मत करिए, आप भी बनाइए, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। लोगों को ये समझ आ जाए कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है और इसको इकट्ठा कैसा किया जाए। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, कुछ लोग इससे बहुत आहत हुए हैं इस गिलोय से, जैसे मैं विधि बताता हूँ। कुछ लोग जो जगत का मानव कल्याण का फायदा या मानव कल्याण नहीं देख सकते, लोगों का भला नहीं देख सकते, उनको उनकी आत्मा थोड़ी आहत जरूर हुई है, वो मुझे नहीं पता क्यों हुई है, वह भगवान जानता है। तो दोस्तों मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, मेरे पास कल एक रिकॉर्डिंग आई दिल्ली से, उन्होंने 2 रिकॉर्डिंगें भेजी। 15 दिन में जिस बच्चे का 400-500 शुगर रहता था, 4 टाइम उसको इंसुलिन लगते थे, दोस्तों अब मैंने उनके लिए बोल दिया है कि अब वो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो 2 टाइम कर दे, क्योंकि उसकी शुगर जो है 100 और 150 के बीच खाली पेट मॉर्निंग में रहती है। तो दोस्तों इसी बात के लिए मेरा लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा सार बताने जा रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं वीडियो जो डालूंगा वो जो लोगों की बहुत सारे ऐसे मुझे कॉल आ रहे हैं कि नाभि खिसक जाती है उसके ऊपर वीडियो डालें, और एक इसके बाद फिर डालूंगा अपना स्लिप डिस्क के ऊपर। तो आज मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बता देना चाहता हूं कि ताकि मुझे बार बार अब शुगर वाले वीडियो ना डालने पड़े। तो दोस्तों ये जो गिलोय है, आज मैं फिर से थोड़ा ये बता देता हूँ कि जितना आप प्रयत्नशील रहेंगे दोस्तों, रोगी जब तक खुद आधा डॉक्टर नहीं बनेगा। पहली बात, अगर आप आधे डॉक्टर नहीं बनेंगे मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं सूट कर रही है, जब तक ये रोगी नहीं जान पाएगा दोस्तों, कितनी भी बढ़िया उसके लिए दवाई रख दो, भगवान उसके सिर पर हाथ रख दे दोस्तों, अगर वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, उस चीज़ को नहीं समझेगा, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये चीज़ उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस जैसे मैंने बताया, मिट्टी का लेप करिए, तीसरे दिन करिए, हफ्ते में एक बार करिए। अब आप या बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हमें ये कोई जादू की छड़ी मिल जाए और 3 महीने में या 6 महीने में या 5 महीने में हमारी इस औषधि को प्रयोग करने के बाद हमारी जो शुगर है वो हमेशा के लिए चली जाए, बिल्कुल जाएगी दोस्तों, लेकिन थोड़ा विश्वास और हिम्मत और जो चीज़ें हम मैंने बता रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और ऐसा डेफिनेट है कि इससे जो आपकी शुगर है वो 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगी, 20 दिन के बाद आपकी एलोपैथी मेडिसिन छूट जाएगी और छूट रही हैं दोस्तों, दवाइयों की दवा छोड़ दीजिए, इंसुलिन इंजेक्शन छूट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे को जो फ़ोन आ रहे हैं या जो मुझे लोग वीडियो भेज रहे हैं वो उसमें है। दोस्तों मैं कोई दवाई देने वाला नहीं हूँ, दोस्तों मैंने 10-12 बच्चों के लिए फ्री मेडिसिन सेंड की हुई है, आ रहे हैं उनके परिणाम, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना दोस्तों। पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मैं दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों आजकल गिलोय जो है अब जून से पहले पहले कहीं से आपको मिल जाती है, अगर नहीं मेहनत कर सकते तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आज गिलोय लाइए, उसका आप 1-1 सेंटीमीटर पीस कीजिए और उसको मोटा मोटा कूट लीजिए और अंदर छाया में उसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद जब वो सूख जाएगी तो उसको ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंडर में उसको दे दीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम इस गिलोय पाउडर का खाइए दोस्तों, कुछ समय में ही
कुछ समय में एक तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और कुछ समय बाद आपकी शुगर जो है जड़ से निकल जाएगी। दूसरा इसको प्रयोग है, बहुत सारे लोग आजकल जो अब गर्मियों का मौसम है, लोगों के पैरों के तलवे में जलन हो जाती है या शुगर पेशेंट को पैरों में जलन जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो एक तो रात को सो नहीं पाते, रात को जैसे ऐसा हो लगता है उनको जैसे पैर के तलवे के ऊपर अंगार रख दी हों, तो वो क्या करें दोस्तों, अगर बना सकते हैं वो भी इजी मेथड है गिलोय सत। गिलोय सत जो है बनाना आसान है, इसमें लेबर ज़्यादा नहीं है, कम है, लकड़ियों का खर्चा भी कम है, थोड़ा आसान ज़्यादा है। देखिए अगर आपको 5-10 किलो जितनी भी गिलोय मिल जाती है उसका छोटा छोटा पीस करिए, उसको फिर अच्छी तरह कूट लीजिए। अच्छी तरह कूटने के बाद आपने उसको किसी बड़े पात्र में या लोहे की कढ़ाई में उसको आप बॉयल कीजिए, और बॉयल करने के बाद उस पानी को सारे को छान लीजिए, और छानने के बाद उसको क्या करिए कि ऐसे छोड़ दें और 24 घंटे तक उसको वैसा रहने दें, और फिर उसको ऊपर से धीरे धीरे निथार लें, जैसे हम छाछ को निथारते हैं जैसे दूसरे दिन। तो जो नीचे नीचे लई वाला पदार्थ रह जाएगा, जो घने वाला पदार्थ रह जाएगा, उसको आप एक बड़ी ट्रे या 2-4 ट्रे में डाल करके उसको पतला पतला बिछा दीजिए, धूप में रखिए, जब वो सूख जाएगी बिल्कुल एक पपड़ी सी जम जाएगी तो उसको आप छुरी वगैरह से खुरच लीजिए। दोस्तों ये आपका गिलोय सत्वा तैयार हो गया, और ये पैरों की जलन और शुगर के लिए नंबर 1 औषधि है दोस्तों। गर्मियों में ये बहुत अति शीतल पदार्थ है, और गर्मियों में ये ऐसा नहीं कि जिनको शुगर है, अब ये भी सोच सुनिए कि ये मत सोचिए कि जिसको जिस व्यक्ति को शुगर है वही इसका इस्तेमाल करे, तभी तो बोल रहा हूँ इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। जिस बच्चे को या जिस आदमी को मतलब उल्टियाँ बार बार लगी हैं, बार बार आ रही हैं, मतलब 24 घंटे उल्टियों को मन कर रहा है, पेट में गर्मी हो गई है, या दस्त नहीं बंद हो रहे हैं, हल्का हल्का बुखार बना रह रहा है, तो या पेट में गैस्ट्रिक ज़्यादा रह रही है, दोस्तों निधड़क मतलब बेशक उसको आप प्रयोग करें। ये मत सोचिए कि ये शुगर वालों के लिए ही ट्रीटमेंट है। दोस्तों मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, माता बहनों से भी निवेदन रहेगा, लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। तो ये छोटे से छोटे बच्चों के लिए, बड़े से बड़े जिस वर्ग में भी आप इसको देना चाहें दे सकते हैं। हाँ इतना जरूर है, जो व्यसक की बड़े आदमी की जो इसकी खुराक रहेगी वो चम्मच का तीसरा हिस्सा जो आप बनाओगे, जिस ढंग से मैंने बताया चम्मच का तीसरा हिस्सा बच्चे को थोड़ा कम कर लीजिए। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे वो 6 साल का बच्चा ठीक हो रहा है, 2-2 साल के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं, ये ऐसी मेडिसिन है बिल्कुल सेफ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मान लिया अगर आपने 3 महीने तक या 6 महीने तक इसका प्रयोग किया, आपकी एलोपैथी मेडिसिन बंद हो गई और कुछ समय तक आप इसका निरंतर प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपकी एक तो दवाई छूट जाएगी, समझ लीजिए आपने अपनी किडनी की, आँखों की या और जो मेजर पार्ट हैं बॉडी के उनकी आपने 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए उम्र बढ़ा ली, वो आपके पार्ट भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और जिनकी शुगर वालों को, जिनकी नस नस में कमजोरी रहती है, मतलब उसके लिए भी नंबर 1 औषधि है दोस्तों। तो यही मौसम है जून से पहले पहले, तो इस चीज़ को जो गिलोय का पाउडर है उसको बना लीजिए, गिलोय सत बना लीजिए। और आँखों के लिए दोस्तों मैं एक चीज़ मैंने पहले वीडियो डाला था, शायद बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कम लोग जुड़े थे हमारे साथ, शुरू शुरू में डाला था, तो आँखों के लिए एक विशेष मैं आपके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। क्या जैसे ये हमारी 5 उंगली हैं, ये देखिए, तो इसको क्या करना है, बराबर ऐसे जोड़ लेना है, बिल्कुल बराबर, यानी कि एक दूसरे को ये दिखी नहीं। तो क्या करें, सुबह कम से कम 40-50 ऐसे तालियां बजाइए। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो चश्मा हट जाएगा, बिल्कुल नज़रें आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, और दूसरा ये जो हमारी आँखों की अंदर ब्रेक नसें होती हैं वो शुगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों, और हमारी नज़रों की वो जो ब्रीक नसें हैं उनमें ताकत होगी, नज़रें तेज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो 5 उंगलियां हैं 5 तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे आकाश, धरती, जलवायु, अग्नि वगैरह, ये 5, जब ये 5ों तत्वों से शरीर बना है तो ये 5ों तत्व एक्टिवेट होंगे, और दोस्तों इसमें क्या होगा, हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, किडनी है या लीवर है या फिर पेनक्रियाज है, सारा का सारा एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स हैं
जो आपको करने होंगे साथ में। तो मेरा सभी भाइयों से ये दोबारा निवेदन करता हूँ या रहेगा कि कृपया लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ कि जो अभी देख रहे हैं, जैसे जो शुरू से लगातार देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, मान लिया कोई व्यक्ति अभी से देख रहा है तब ऐसा बीच में बोल देता हूँ कि मेरा लाइक वाला बटन दबा दें। तो दोस्तों इससे क्या है, जो मैंने तालियों वाला प्रोसीजर बताया आँखों के लिए आप आजमा कर देख लीजिए। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि हमारा चश्मा छूट गया है, बच्चों के इस चश्मे छूट गए हैं। दोस्तों नुकसान क्या है, अगर आप 30-40-40 सुबह बजा लेते हैं तो दोस्तों ये आपका शुगर लेवल भी बढ़िया रखेगा, आपके पूरे जिस्म की नस नस को यानी कि वाइब्रेट कर देगी ये चीज़, और उनका जो खून का दौरा है उसको सुचारू रूप कर देगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें वो चीज़, जैसे आप मान लिया गिलोय खुद बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ऐड कीजिए तभी आप ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज आप 6 महीने दवाई खाई, 2 साल आप ठीक रहे, फिर वही आपका प्रोसीजर खान पान का या चीज़ें मैंने बताई है, मिट्टी का लेप छोड़ दिया, अब कितने दिन करना पड़ेगा। अब डिस्क वाले बहुत सारे बोलते हैं जी हम तो 80% ठीक हो गए, करना कितने दिन है। मैं बोला भाइयों अगर आपको 10-15 दिनों में 80% फ़ायदा है और छोटी सी चीज़ अगर आप 2 मिनट डेली कर लेते हैं तो नुकसान भी क्या है। आप 8-8 साल से परेशान थे और 8 सालों की प्रॉब्लम आपके 8 दिन में या 15 दिन में सॉल्व हो रही है, अगर आप डेली 2 मिनट कर लेते हैं तो पैसे की चीज़ तो आएगी नहीं, आपका जिस्म ही फिट रहेगा। दोस्तों मुझे कुछ नहीं मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे आप रहेंगे। तो दोस्तों मेरा सभी भाइयों से ये विशेष निवेदन रहेगा कि कृपया इस चीज़ को ज़रूर कर लें। दोस्तों मैं ये मेरी कोई दवाई नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं, कोई नाम नहीं है, मैं हाँ जी ये हमारी कंपनी की दवाई है इसको खरीदिए, नहीं, मैं न मेरे हाथ में कुछ है ये, तो न मैं किसी को ठीक कर रहा हूँ। जैसे ये बच्चा है मैंने बोल रहा हूँ इसको मैंने ठीक किया, या भानु स्वास्थ्य केंद्र ने इनको फ्री दवाई दी तब ये ठीक हुए, नहीं, ये कि उस दवाई ने ठीक, जिसके अंदर इतने गुण हैं, सिर्फ मैंने तो प्रयोग करना बताया या लोगों को सिखाया। तो कल तो इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने इतने मेरे को वीडियो भेजे, अभी भी एक वीडियो आ गया हमारे हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने खुद दवाई तैयार की, देखिए भाई कैसे बनी, बड़े बड़े गट्ठे लाए हैं और खुद बना रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। दोस्तों मैं उनके लिए भगवान से स्पेशली दुआ करता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ, और मैं तो सभी के लिए दुआ करता हूँ सभी ठीक हो जाएँ, लेकिन देखिए हिम्मत लोगों की मैं दा देता हूँ। ये तो प्रोसीजर जो है दोस्तों हर आदमी सीखे, ताकि ये जो, हाँ एक कैलिफोर्निया से मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि इस शुगर की वजह से मेरी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। अब दोस्तों या तो इस चीज़ को अपना लीजिए या फिर पूरी उम्र आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाइए और उनके जो दुष्परिणाम हैं, किडनी फेलियर, हड्डियाँ कमज़ोर या आँखों का, नज़रों का बैठ जाना, अपना जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो फेल हो जाना, आपको मतलब 2 रास्ते हैं, कौन सा भी अपना सकते हैं। दोस्तों मैं किसी के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कम से कम आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगेंगे और आपका जिस्म जो है फिट रहेगा। अगर आप 1-2-3 साल भी ऐसा कर लेंगे दोस्तों तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं, आपका शुगर जो है वो जड़ से ना ख़त्म हो सके। लेकिन ये जो मैंने बारीक चीज़ें बीच में ज़रूर बताई हैं वो ज़रूर करनी है। खाली बैठे हैं ये हाथों की उंगलियाँ, ये ऐसे अंगूठे, मतलब 4-5 दिन में दोनों हाथों की हथेलियों को जरूर दबाइए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपकी ये इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करेगी, मतलब आपके रोग को ठीक होने में और सहायक सिद्ध होंगी ये चीज़ें। तो दोस्तों ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, कृपया इनको ज़रूर ऐड कीजिए। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगला जो हमारा वीडियो है वो नाभि खिसकने के ऊपर होगा। और तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।